हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 3.2 पर और क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। चलिए इसके फर्स्ट नंबर से देखते हैं। देखिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 7/16। सबसे इजी रहेगा कि सबका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए 16 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 में इसे भाग करेंगे 16, और 16 में एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो 16x स्क्वायर। इसके नीचे 1 है, 1 जाकर भाग करेंगे 16 में तो 16 × 32x, और प्लस का देखिए यहाँ क्या होगा, इसमें से भाग करेंगे 1 में जाकर 7 से गुना होगा 7। तो आप इसे आप लिख दो 1/16 और गुना में आपका 16x स्क्वायर माइनस का 32x और प्लस का 7। अब इसका गुणनखंड कर दो इस बहुपद का। चलिए देखते हैं 1/16, यहाँ पे देखिए यहाँ पर इस दोनों में गुना करेंगे तो 112x स्क्वायर आएगा ना जी, तो बीच वाले का गुणनखंड करना होगा। फैक्टर करके देख लो 112, 2 से ले जाते हैं यहाँ पर 56, 2 से ले जाते हैं 28, ठीक है। एक काम करते हैं 28 और यही देखो ना 4, इसका पेयर बन जा रहा है, 28 4 32 होता है, और गुना करने पे इन दोनों के गुणनफल के बराबर वो तो आना ही है क्योंकि उसका ये गुणनखंड ही कर रहे हैं। 16x स्क्वायर माइनस का 28x और माइनस का 4x और प्लस का 7, ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं 1/16 अंदर कॉमन क्या हो, इन दोनों में क्या कॉमन करते हैं, तो हम लोग 4x कॉमन कर देते हैं, 4x और माइनस का 7, माइनस 1 कॉमन करते हैं, 4x माइनस का 7, तो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना 4x माइनस 7। अब कॉमन कर लेते हैं तो आ जाएगा 1/16 गुना में 4x माइनस 7 और गुना में 4x माइनस का 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए।